कुछ लोग आ जाते हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि यू नो तुमने जो भी किया गलत किया, तुम एक लड़के के साथ रह के आई एंड ऑल दैट नॉनसेंस। ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग जो बोल रहे हैं वो बकवास है। सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। मैं माधव के घर में रही हूँ, सो हाँ दे ऑल कम एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग बेसिकली एंड बस फिर मैं इवन आई टेक अ स्टैंड फॉर माधव एंड माई सेल्फ, काफ़ी कुछ सुनाती हूँ एंड फिर वो लोग निकल जाते हैं। बाद में पुलिस आकर ये कह रही है कि जारू ने सरेंडर्ड हिमसेल्फ, कि उसने कायनात को मारा है। तो आई एम सैप्ड कि ये कैसे हो सकता है। आई हैव किल्ड हर, मैंने उसको धक्का मारा था और मारा था बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग वॉज इन सेल्फ डिफेंस। और वही है कि वो एक खत देता है जो कायनात का है, जिसमें कायनात कहती है कि हम कायनात शाह गाजी हम कह रहे हैं कि जो भी हमें होगा जारून की वजह से होगा फॉर सम रीज़न। तो बस इसीलिए फिर काफ़ी शौक लगता है सल्तनत को। बट देयर माधव सपोर्ट्स हर एंड माधव इज़ लाइक लेट्स गो टू द पुलिस, हम बात करते हैं। सो या दादी का कोई टेक मेरे को समझ नहीं आता। दादी कभी मेरे साथ अच्छी होती है, दादी कभी हमारे साथ बुरी होती है। सो दादी इज़ लाइक कि तो दादी बेसिकली जो औरतें आई थी वो भी दादी ने बुलाई थी कि ये कैसे एक पराए मर्द के साथ ऐसे रह रही है या बातें कर रही है और रह कर आई है। सो दैट इज़ द रीज़न वो ये सब बोल रही है। यार दैट तो आई रियली डोंट नो बिकॉज अभी तो हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं आई है। ऑनेस्टली तो पता होता तो मैं बता देती। थैंक यू।